हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा पेंट में कट कॉपी पेस्ट करना, तीनों आप कैसे करते हैं इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद आप कॉपी पर क्लिक करोगे, फिर पेस्ट पर क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब जितने बार एक बार कॉपी करने के बाद आप करोगे पेस्ट, उतने बार आते रहेगा। और इसके बाद अगर कट करोगे, तो जैसे कॉपी का मतलब हो गया आपका डुप्लीकेट, ऐसे ही कट का होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि इसमें हम कोई और कलर कर देता हूँ, और कलर करने के बाद फिर से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कट हट गया यहाँ से। और जैसे पेस्ट करोगे तो पेस्ट में आ जाएगा। तो ये होता है आपका कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। अगर आप इसे सेलेक्ट आधे अधूरा करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए आधे अधूरा नहीं करें, पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट करें। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। आप यहाँ क्लिक ना करने के बाद आप यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट करके, और Ctrl+C से कॉपी होता है, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से कॉपी कर ले Ctrl+C, और Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कट करना हो तो कट के लिए होता है Ctrl+X। Ctrl+X करोगे तो कट हो जाएगा, Ctrl+V करोगे तो फिर पेस्ट आ जाएगा आपका। Ctrl+X से कट और Ctrl+V से पेस्ट। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।